हेलो, दिस इज जाह्नवी राजन बेरोवर एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस. आई हैव स्टडीड लॉ एंड देन डन माय एमए इन पब्लिक पॉलिसी, आफ्टर व्हिच आई हैव डन माय डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्किल एजुकेशन. So I started working with students from standard 8 to students in an ITI in the field of vocational education. तो आज बिफोर आई कैन बिगिन माई टॉक, मैं सबसे पहले इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि एजुकेशन का मतलब क्या है हमारे लिए. सबसे पहले जब हम पाठशाला जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या डिप्लोमा कोर्स करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं, उस कोर्स का हमारे लिए मतलब क्या होता है, हम आज इससे बिगिन करते हैं. तो इसमें चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक तो आप एजुकेशन को अगर सेंटर पीस रखें तो आप पहली चीज़ यू लर्न एनीथिंग फॉर मनी, राइट? कि आप वो चीज़ सीखें, फिर आप कुछ काम करें, उसमें से आपको कुछ पैसा मिले. दूसरी चीज़ है आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, यानी खुद की ग्रोथ के लिए एजुकेशन लेते हैं. मतलब आपको नॉलेज मिले, आपको विजडम हो, मतलब आपका एजुकेशन आपके एक्सपीरियंसेस में, लाइफ एक्सपीरियंसेस में काम आ सके. ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. थर्ड थिंग इज वॉट सोसाइटी. सोसाइटी मतलब क्या, अब आपका एजुकेशन सोसाइटी से कैसे कनेक्शन होता है. जो भी चीज़ आप करते हैं या जो भी एजुकेशन आप लेते हैं, फिर आपको जॉब मिलता है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सब लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, सब लोग मैनेजर के जैसे इंडस्ट्री में काम करते थे या मशीन बनाने वाला इंडस्ट्री में काम करता था, या मशीन जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था, जैसे जूते बनाते थे या कपड़े बनाते थे, तो उन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में लोग काम करते थे. तो उसमें से लेबर लॉस, लेबर लॉस केम इन टू को महत्व ज्यादा मिला, क्योंकि सब लोग लेबर जैसे इंडस्ट्री में काम करते थे. तो सोसाइटी पे एक आपका इम्पैक्ट होता है. तो तीन चीजें क्या होती है इसमें, अगेन व्हेन आई एम गेटिंग एडुकेटेड, एक तो पैसे मिलते हैं, दूसरा पर्सनल ग्रोथ मिलती है, तीसरा सोसाइटी से आप कनेक्ट होते हैं, और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर इंसान के लिए, वो है लेगेसी. माने मेरी कोई भी याद छोड़ के जाना, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी कुछ यादें ना सिर्फ मेरे परिवार वालों के लिए मैं छोड़ जाऊं, पर मैं समाज पे एक ऐसा एक अपने कार्य के वजह से एक ऐसा मेरा स्थान बने कि पूरा समाज मुझे याद करे, राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एडुकेशन, एस्पेशली टुडे इन कोविड टाइम्स, राइट? क्योंकि अब क्या हुआ है, कोविड की वजह से क्या हुआ है कि हम अपने घर में हैं, हमारी पाठशाला ऑनलाइन चल रही है, हमारा कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है, परीक्षा जैसे पहले लेते थे वैसे अब नहीं ले रहे हैं, आपको कॉलेज में नहीं जाना है, आपको पेपर नहीं लिखना है, आपको बेंच पे नहीं बैठना है, तो आप घर बैठे परीक्षा दे रहे हैं. तो इसमें से आप क्या क्या समझे और कैसे अपना आगे का जीवन बिताए, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू सो थ्रू दिस टॉक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट इन पार्ट्स. नाउ फर्स्ट पार्ट इज When I will talk to you about, like I have spoken to you about education, I will speak to you about skill, I will speak to you about innovation,
आई विल स्पीक टू यू अबाउट कॉम्पिटेंसी एंड देन आई विल स्पीक टू यू अबाउट टूल्स एंड वॉट इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ दीज फोर थिंग्स राइट. देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन यूज दीज थिंग्स इन रियल लाइफ एंड हाउ पीपल हैव यूज इट इन रियल लाइफ फॉर you know, for fulfillment of the four purposes of education that we just spoke. And then we can have questions and answers. So now let's get down to the skill part, right? So now because we are facing COVID times, I am going to start with the themes, right? So what are jobs milne ke liye इस वक्त में 2020 साल में क्या थीम्स है, क्या ओवरआर्चिंग थीम्स है. एक थीम है ग्लोबल. हम जो भी काम करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी उत्पादन करते हैं, जो भी हम ट्रेन यूज करते हैं, मेट्रो यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या जो भी ऑटोमेशन हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रोबोट्स या टेक्नोलॉजी या जो भी ऐसी चीजें हैं जिनका हम डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें ग्लोबल हो गई हैं. मतलब मुंबई में मेट्रो है, नागपुर में मेट्रो है, न्यूयॉर्क में भी मेट्रो है, राइट. सो एक थीम बड़ी है, ग्लोबल थीम. दूसरी बहुत बड़ी थीम क्या है, वो है एनवायरमेंट, है ना. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस सब के बारे में हाँ आज हम बात करते हैं. तो ये ह्यूमैनिटी के थीम्स मैं अभी बात कर रही हूँ जो हमको दैनंदिन जीवन में हमको इफेक्ट करते हैं, राइट. तो एक हो गया ग्लोबल, एक हो गया एनवायरमेंटल, तीसरा हो गया हेल्थ. आपको तो सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोरोना में क्या चल रहा है. हेल्थ हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन नाउ, राइट. फोर्थ इज सिविक. सिविक क्यों? क्योंकि ना सिर्फ हमको हमारे हेल्थ की मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमारी फैमिली की लेनी है, बट हमको सोसाइटी की भी लेनी है. तो सिविक सेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊं तो मैं मास्क लगा के जाऊं ताकि मेरी वजह से समाज में कोरोना ना फैले, ज्यादा लोग बीमार ना पड़े और ज्यादा हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े और ज्यादा लोगों की मौत ना हो. इसलिए सिविक सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ थीम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एंटरप्रेन्योरियल थीम. हम जो भी काम करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे रेस्टोरेंट खोला है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट of whatever that we do today. जो भी आपने सीखा है क्या उसको आप एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अब कोविड टाइम्स में आप देख रहे हैं लोगों की नौकरियां जा रही हैं, या जो लोग अभी भी नौकरी पे हैं वो काम करने जा नहीं पा रहे हैं, उनकी सैलरी आधी हो रही है, आमदनी कम हो रही है. तो ऐसे दिनों में आपको कुछ तो व्यवसाय करना पड़ेगा ताकि आप जितने आ रहे थे उतने पैसे या उससे थोड़े अधिक पैसे कम से कम आपके घर में आए और आपका घर चले, राइट. सो दीज आर आवर फाइव थीम्स. वन इज ग्लोबल, वन इज सिविक, वन इज हेल्थ, वन इज एनवायरमेंट एंड वन इज एंटरप्रेन्योरियल, राइट. अब हम आते हैं स्किल्स और इनोवेशन पे और कनेक्ट करते हैं इन थीम्स को स्किल और इनोवेशन. अब हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि अब हमें किन टाइप के जॉब्स की ज़रूरत है. तो उसमें से क्या उभर के आया, और आपको बहुत ही शॉकिंग लगने वाला है ये जो मैं बोलने वाली हूँ. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्लम्बिंग. हमको प्लमर्स की और पाइप कनेक्ट करने वालों की और गैस के पाइप पे काम करने वालों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. दूसरी चीज है कार्पेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को कोरोना में
पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट को बेड बनाने की ज़रूरत है, जब हम आइसोलेशन सेंटर की बात करते हैं बेड बनाने की ज़रूरत है, कुर्सी बनाने की ज़रूरत है, टेबल बनाने की ज़रूरत है ताकि उस पे आप अपने दवाइयाँ रख सके, नर्स उसका डेली चार्ट पेशेंट का रख सकें, घर के रिपेयर्स जो इतने 3 महीने में लॉकडाउन में हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए अब सबसे ज़्यादा कारपेंटर की ज़रूरत है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है जो सॉफ्टवेयर बना पाए। आयुष ऐप सब लोग यूज़ करते हैं है ना, तो ऐप बनाने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लॉयर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतने दिन सारे बिजनेसेस बंद थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए, अब उनको कैसे रिवाइव करना है, उनमें नेगोशिएशन कैसे करना है, अगर दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो उसको कैसे सुलझाना है, ये लॉयर का काम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हेल्थ केयर सेक्टर में है, ये तो हम सबको पता है। अब हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे टाइप के जॉब्स की ज़रूरत है, एक तो है नर्सिंग कि हमको सबसे ज़्यादा नर्सेस की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर आ रहा है पेशेंट चेक कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, पर उस पेशेंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको दवाई एडमिनिस्टर करना, उसको इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना, उसको मॉनिटर करना कि उसकी तबीयत सुधर रही है या बिगड़ रही है ये देखना, ये सारी चीज़ें नर्स करती है। बट इसके अलावा जो नए हेल्थ सेक्टर्स में जॉब आए हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है, उनमें से एक जॉब है नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट का क्या जॉब हो सकता है? नर्सिंग असिस्टेंट जो है, जो पीपीई किट हम पहनते हैं या डॉक्टर्स पहनते हैं, वो उस पीपीई किट को साफ करके रखेगी, वो सही टाइम पे उस पीपीई किट को रेडी करके रखेगी, वो डॉक्टर को उसे पहनने में हेल्प करेगी, उसे निकालने में हेल्प करेगी, उसे सैनिटाइज करने में हेल्प करेगी, पूरे ऑपरेशन थिएटर को या जिस रूम में पेशेंट रुका है जिस वार्ड में उसको क्लीन रखने में वो नर्सिंग असिस्टेंट काम में आएगी, सारे जो टूल्स डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको साफ रखने में नर्सिंग असिस्टेंट काम में आएगी, है ना। तो हेल्थ केयर में ही इतने सारे लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, और किन लोगों की ज़रूरत है और कैसे टाइप के फ्यूचर जॉब्स हैं? ऑडिटर्स, सबसे ज़्यादा ऑडिटर्स की आज ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से जो हमारा मार्च में ईयर एंडिंग का इनकम टैक्स का शेड्यूल होता है वो पोस्टपोन हो गया है, और जो ये 3 महीने गुजरे हैं उसके बीच में लोगों का बिजनेस नहीं हो पाया है, तो ऑडिटिंग को एक नए तरीके से देखने की बहुत आवश्यकता अब आ गई है। तो अब इसको ऑडिट कैसे करें, बिजनेस के रिकॉर्ड कैसे लिखें, ट्रांजैक्शंस कैसे बताएं, है ना। अब बिजनेसेस का भी बहुत नुकसान हो गया है इसलिए उनको भी कुछ सहायता की ज़रूरत है इसलिए, और बहुत सारे नए बिजनेसेस खुले हैं, वेंटिलेटर का बिजनेस खुल गया है, मास्क के बिजनेस खुल गए हैं, पीपीई किट्स प्रोवाइड करने के बिजनेसेस खुल गए हैं, तो इन सब नए खुले हुए बिजनेसेस का ट्रैक कैसे रखेंगे, है ना, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए। और ये बिजनेसेस के भी वे ऑफ वर्किंग बहुत अलग है, तो फिर क्योंकि ये इतना अलग है तो इसकी जानकारी लेना और उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या जरूरी है, क्या नहीं था, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये देखने के लिए हमें ऑडिटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और हमें लाइसेंस्ड नर्सिंग टीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनर भी कहते हैं, जो नर्स नहीं है पर जो सिखा सकता है कि नर्स को क्या-क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है, जो आपके प्रैक्टिकल ले सकता है नर्सिंग के, क्योंकि आज नर्सिंग के कॉलेज कम और नर्सेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है समाज में और हर जगह, मतलब ना सिर्फ इंडिया में, अमेरिका में भी, ना सिर्फ यूपी में, महाराष्ट्र में भी, ना सिर्फ एमपी में, केरला में भी, तो फिर आप
और इमरजेंसी के टाइम पे आप ट्रेनिंग लेंगे कहाँ से? तो इसलिए आपको ट्रेनर्स की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब दीज आर द फ्यूचर जॉब्स। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्किल का मतलब क्या होता है। जो भी चीज को की एक्सपर्टीज आप सीखें, जो भी चीज आप अपने हाथ से कर सकें, आप उसके बारे में लिख सकें और आप उसको लाइफ में अप्लाई करके उससे कुछ पैसे कमा सके, इसको कहते हैं स्किल। इसका सबसे सिंपल उदाहरण है एक फार्मर। फार्मर अपने हाथ से काम करता है, सीड सो करता है, फिर पेड़ जो भी है पेड़ आता है, या तो फल का पेड़ हो, या तो फूल का पेड़ हो, या तो फिर वो अपना लेंटिल्स हो या चावल हो, उसको उगाता है, उसको निकालता है, उसको पॉलिश करता है और फिर उसको बड़े मार्केट में जाके वो बेचता है, उससे उसको उसकी आमदनी होती है। तो उसको हम कहते हैं स्किल्ड, दैट दिस पर्सन इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ फार्मिंग, राइट। पर अभी क्या सिर्फ मुझे खेती आने से मेरा घर बहुत अच्छा चल सकता है आज के 21st सेंचुरी में, और खास करके 2020 साल में जब कोरोना है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनोवेशन लाना पड़ेगा। इनोवेशन का अर्थ क्या होता है? कि मुझे उसी चीज को जो मुझे आती है नई तरीके से उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, या उसी चीज को नए सिचुएशन में अप्लाई करके मुझे उसमें से सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। इसका सबसे इजी उदाहरण मैं आपको कारपेंटर का देती हूँ, क्योंकि हमने बात की है कि फ्यूचर जॉब्स में सबसे जरूरी एक जॉब क्या है, तो वो कारपेंटर का है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे एक कुर्सी बनाना आता है, मैं कारपेंटर हूं, मुझे कुर्सी बनाना आता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब लॉकडाउन में सिर्फ कुर्सी शायद लोग खरीदे, शायद ना खरीदे, जितने खरीदते थे पहले उतने अब नहीं खरीदे, है ना? क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में जाती हूँ, मेरे स्कूल में बहुत सारी कुर्सी और बेंचेस हैं, पर अब स्कूल बंद है तो स्कूल कुर्सी की ऑर्डर नहीं देगा, पर मेरी ऑनलाइन स्कूल शुरू है तो मुझे अब प्रतिदिन अपने घर में एक ही जगह पे बैठ के 4 से 5 घंटा कम से कम लेक्चर सुनना है अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे। अब शायद मेरे घर में एक कंफर्टेबल कुर्सी ना हो बैठने के लिए, तो मेरा एक दोस्त है, वो कारपेंटर है, उसने एक अलग तरह की कुर्सी बनाई है जिसके वजह से मैं सीधी 4 घंटा बैठ सकती हूँ, जो कंफर्टेबल है, जिसको ऐसे हाथ है, ये देखिए मेरे यहाँ पे हाथ रखने के लिए जगह है, ताकि मैं दिन भर कंफर्टेबली इस कुर्सी पे बैठ के अपना लेक्चर सुन सकूं। मैंने कर दी डिमांड क्रिएट। अगर मैंने बनाई हुई कुर्सी एक आदमी को पसंद आ गई तो वो दूसरे आदमी को बताएगा और वो एडवर्टाइजमेंट देगा, या तो फेसबुक पे देगा जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे भेजेगा, या न्यूज़पेपर में भेजेगा, और मेरा जो कुर्सी बनाने का बिजनेस है अब वो नई तरीके की ऑनलाइन लर्निंग के लिए घर बैठे बैठे इस्तेमाल करने की कुर्सी बना के मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकती हूँ, है ना? तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनोवेशन, राइट। सो आई हैड अ स्किल, आई मेड एन इनोवेशन सीइंग द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड देन सोल्ड इट, सो आई रिफर्बिश्ड इट, राइट। तो व्हेन आई एम रिफर्बिशिंग समथिंग दैट मीन्स आई एम सिंथेसाइजिंग। अब सीखने के मायने बदल गए हैं। अब हम किन मायनों में सीखते हैं? एक तो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं? कि जब हमें कोई कुछ समझाता है या सिखाता है, हम उसके बारे में सोचते हैं,
दो, हम उसको याद करते हैं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या सिखाया गया है। तीसरा, हम उसको एनालाइज करते हैं, मतलब हम उसको पेपर पे लिख सकते हैं कि यार जैसे हम फॉर्म्यूला लिखते हैं या जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या हम कोई भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम एनालिसिस कर कहते हैं कि H2O में O2 डालने से वाटर बनता है, तो ये क्या हुआ, ये एनालिसिस है उस चीज का। बट जो चौथी चीज और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है लर्निंग के मायनों में, फीचर्स ऑफ लर्निंग में, इज कॉल्ड सिंथेसिस, जो हम ज्यादातर नहीं कर पाते। अब सिंथेसिस मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कुर्सी का और कारपेंटर का एग्जाम्पल दिया, मुझे एक तरीके की कुर्सी बनाना आता है, पर मैं इस समाज में जी रही हूँ, मुझे पता चला कि कोरोना है, लोग घर में बैठे हैं, ऑनलाइन स्कूल में जा रहे हैं, तो मुझे आइडिया आई कि मैं एक ऐसी कुर्सी बनाऊं जिससे ऑनलाइन मैं आराम से पढ़ सकूं और मुझे उस कुर्सी से ज्यादा हटना ना पड़े, मुझे ज्यादा झुकना ना पड़े, मुझे मोबाइल को हाथ में लेके ज्यादा देर बैठना ना पड़े। ऐसी एक स्पेशलाइज्ड कुर्सी एंड समाज के हालात देखते हुए मैंने बनाई, इसको हम कहेंगे इनोवेशन। सो आई हैड अ स्किल एंड आई इनोवेटेड ऑन माई स्किल। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट स्किल्स। तो अब स्किल्स, हम क्या स्किल्स हम सिर्फ स्कूल में ले सकते हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ कॉलेज में स्किल्स सीख सकते हैं? नहीं। क्या स्किल्स सीखने के लिए कोई एज ग्रुप होता है? नहीं। तो व्हाट इज इट, तो व्हाट इज स्किल एंड हाउ डू आई अक्वायर स्किल एंड व्हेन डू आई अक्वायर स्किल? तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अमेरिका में जब रिसेशन हुआ तो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और ढेर सारा लोन था, घर का लोन था, गाड़ी का लोन था, पर्सनल लोन था। अब क्या करे वो आदमी? तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेस शुरू किए अमेरिका में। उन कोर्सेस में वो लोगों को छोटे 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 स्किल्स सिखाते थे डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। ये स्किल्स कौन सीखता था? 40 साल के लोग भी सीखते थे, 60 साल के लोग भी सीखते थे, 21 साल के लोग भी सीखते थे। क्यों? ताकि वो कुछ सीख सके, उसका व्यवसाय कर सके, उसमें से उनको पैसे मिले, राइट? जैसे मैंने आपको, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा एग्जाम्पल लें तो मैं स्टोरी टेलिंग स्किल सीख सकती हूँ, मतलब मैं कहानी बताने की स्किल सीख सकती हूँ, और मैं रेडियो में काम कर सकती हूँ। मैं लॉयर हूँ, पर अगर मेरी नौकरी चली जाए और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़े अपना पेट पालने के लिए, तो जो भी मेरा इंटरेस्ट है उस हिसाब से मैं स्किल सीख सकती हूँ एट एनी एज, राइट? अब 8वीं से लेके ITI तक और ग्रेजुएशन तक स्किल्स अक्वायर कैसे करें और कहाँ से करें, इसका मैं आपको एक आई कैन टेल यू कि आप कहाँ जाके उसको सीख सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को स्थापित किया है न्यू दिल्ली में। अंडर नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। उनके साथ कई सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, शिपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है, सिक्योरिटीज है, डिजिटल लर्निंग है, मैकेनिकल है, एग्रीकल्चरल है। ये सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स NSDC से जुड़े हुए हैं, और अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएं तो आपको बहुत सारे कोर्सेस वहाँ पे उपलब्ध हैं जो आप जाके कर सकते हैं, जो कि आप 4 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, और जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? तो जैसे मैंने 8वीं और 9वीं में ऑटोमोबाइल सीखा, उसके बाद 11वीं 12वीं में मैंने कुछ भी स्किल नहीं सीखा,
और अब मुझे एक स्किल यूनिवर्सिटी या वोकेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक छोटा सा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग नाम का कोर्स कर सकती हूँ। वो कोर्स उस गैप को भर देगा जो मैंने 11वीं 12वीं में मिस किया है, वो एक साल में आपको कंप्लीट करके देगा। तो आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं टू डू स्किल्स। जी, जैसे हमको लगता था कि सिर्फ आईटीआई के बच्चे ही सीख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और आईटी, बस यही इतने ही चीजें वो सीख सकते हैं, डिप्लोमा करेंगे और बस। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में कोई भी स्किल्स आपने सीखी हो या ना सीखी हो, आप बी वॉक नाम का ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। वो आप होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, आप आईटी में कर सकते हैं। और जैसे हमने बात की कि क्या क्या तरीके के फ्यूचर जॉब्स हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना? अब जैसे मैंने आपको बताया कि एनएसडीसी के साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सेक्टर्स के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। अब वैसे ही मैं आपको थोड़े छोटे बच्चों के हिसाब से भी बताती हूँ कि अगर आप 11वीं 12वीं में हैं और 10वीं 8वीं 9वीं और 10वीं में अगर आपने कोई भी स्किल्स सीखे हैं अपने स्कूल में, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप उस अप्रेंटिसशिप की नैप्स नाम की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, तो आप एक साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको एक थोड़ा सा स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ विच आपको जॉब लग सकता है और आपको रिकग्निशन मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है आगे के कोर्सेस करने के लिए, राइट? तो इसका ये फ्लेक्सिबल है। अगर मैंने 9वीं 10वीं ऑटोमोबाइल सीखा है, तो मैं 11वीं 12वीं शिपिंग सीख सकती हूँ और ग्रेजुएशन में मैं फिर से ऑटोमोबाइल ले सकती हूँ, या मैं ब्यूटी और एंड वेलनेस भी सीख सकती हूँ। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ और वो उदाहरण है एप्पल कंपनी के मालिक का, जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स जब छोटा था तो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। वो दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था और वो जिस कक्षा में उसने एडमिशन ली थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो उसको उसके दो कक्षा आगे बिठाया गया। तो जिन बच्चों के साथ वो सीखता था, वो सब बच्चे उससे बड़े थे। तो स्कूल पास आउट करने के बाद और 11वीं 12वीं करने के बाद उसने सोचा मेरे से ये नहीं होगा, तो उसने ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप लेने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स वन नाम का वोकेशनल सब्जेक्ट सीखा। उस सब्जेक्ट का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स वन। वो सब्जेक्ट सीखने के बाद उसने अपने एक बचपन के मित्र के साथ, स्टीव वॉजनियाक जिसका नाम था, एक ब्लू बॉक्स बनाया। ब्लू बॉक्स क्या करता था? जो भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होते थे उस समय में, क्योंकि लैंडलाइन पे लोग फोन करते थे और डिस्टरबेंस आता था, तो वो ब्लू बॉक्स आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कॉल इजीली कनेक्ट करवाता था और उसमें क्लैरिटी लाने की उस ब्लू बॉक्स में क्षमता थी। तो सिर्फ एक कोर्स करके उसने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया और उस वक्त उसे समझा कि मुझ में सेल करने की क्षमता है, मैं एक अच्छा सेल्समैन बन सकता हूँ। ये उसे सिर्फ एक छोटी स्किल सीख के समझ आया। तो आप समझ सकते हैं कि स्किल सीखना ना सिर्फ
इट्स नॉट जस्ट एडुकेशन बट इट इज ऑल्सो लिबरेशन ऑफ सेल्फ. वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है कि चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, मैं कुछ नया सीख के उसको अपना अस्त्र बना सकता हूँ, उससे अपना जीवन बेहतर कर सकता हूँ और मैं ऑल द टाइम कुछ नया सीखते रह सकता हूँ और उसमें से अपना घर भी चला सकता हूँ. ये बहुत बड़ी बात है. अब लेट्स गो बैक टू थीम्स, राइट? क्या थीम्स थे हमारे? आई विल रिमाइंड यू अगेन. ग्लोबल थीम थी, एंटरप्रेन्योरियल थीम थी, सिविक थी, हेल्थ थी, एनवायरमेंट थी. अब जब हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कारपेंट्री का स्किल सीखा है या मैंने आईटी का स्किल सीखा है या मैंने मैकेनिकल का स्किल सीखा है, तो जो मेरे इमीडिएट एनवायरमेंट में, मतलब जो मेरे घर पर हो रहा है, जो मेरी ऑफिस में हो रहा है, जो सड़क पर हो रहा है, जो बस में हो रहा है या जो ट्रेन में हो रहा है, जो मेरे रास्ते में आते जाते एवरी सिंगल डे, मैं जो आपको बोल रही थी कि जो हमको इम्पैक्ट करता है, जैसे ऑफिस जाते हुए मुझे वेदर इम्पैक्ट करता है, बहुत गर्मी है किसी दिन तो मैं उतना फोकस लगा के काम नहीं कर सकती, है ना? तो ये सारी चीजें हमें, हम अपना हमारा काम जब कर रहे होते हैं तो अफेक्ट करती रहती है, भले हम उसके बारे में बात करें या ना करें, हमें करती रहती है. तो ऐसे ही हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स हैं, उनको भी होती होंगी, राइट? तो उस चीज के लिए हम हमारे काम को या बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और सबके लिए उसको एक सहज और सुखद एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमें और एक चीज की जरूरत है, वो है कॉम्पिटेंसी. अब कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मैं अपने सहकारियों के साथ फ्लेक्सिबल हूँ या नहीं, कि मतलब अगर मेरी दोस्त मुझे कहें कि आज मुझे जल्दी जाना है, क्या तुम मेरा ये छोटा सा काम कर सकती हो, तो क्या मैं हाँ कहती हूँ या ना कहती हूँ, या मैं रिजिड रहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम तुम्हारा काम जैसे भी करो, या तो मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ यार थोड़ा सा ही काम है, मैं थोड़ा सा तेरा कर लूंगी, अगली बार जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो तू मेरा काम कर. अब अडेप्टेबिलिटी क्या है? अडेप्टेबिलिटी मीन्स जैसे आपके बिजनेस का या आपके सर्विस का स्वरूप बदले, वैसे ही आप भी बदलते हो या नहीं. इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हमारे मम्मी पापा है. कैसे? जब हमारे मम्मी पापा काम पे जाते थे तो कंप्यूटर नहीं थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. सडनली कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गया, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंप्यूटर स्किल्स सीखे, है ना? उन्होंने वर्ड सीखा, पावर पॉइंट सीखा, एक्सेल सीखा, उनके जमाने में तो नहीं था. वैसे ही क्या हम अडेप्टेबल हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं, कोरोना से पहले हम फिजिकली ऑफिस जाते थे, फाइल्स देखते थे, पेपर पे लिखते थे, टाइप करते थे. अब सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, तो जितने लोग जितनी तेजी से फिजिकल ऑफिस से ऑनलाइन शिफ्ट हो पाए हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या हम ये कर पाते हैं? और क्या है, क्या हमको टेक्नोलॉजी से और आईसीटी स्किल्स से हम चेंज हो पाते हैं या नहीं हो पाते? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है. क्या हम कॉम्पिटेंसी है, क्या हम जब ऑफिस जाते हैं हम सबसे कम्युनिकेट कर पाते हैं क्या? अगर मैं 10 लोगों के साथ काम कर रही हूँ और समझ लीजिए कि मेरा 5 लोगों से बड़ा झगड़ा है, तो क्या मैं उस जगह पे काम कर पाऊंगी? क्या वो लोग मुझे काम करने देंगे? तो कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आपको हर आदमी से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते आना चाहिए,
या समझ लीजिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पर मुझे समझाना नहीं आता, मुझे काम बताना नहीं आता, या मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, या मैं बहुत चुप इंसान हूँ, तो क्या ये फायदेमंद है? नहीं, ये तो बहुत नुकसानदायक है। तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको लिसनिंग स्किल आना चाहिए। एक नए रिसर्च के हिसाब से बताया गया है कि जो मिलेनियल्स की जेनरेशन है, उस जेनरेशन में सुनना बहुत लैक करता है। लोग एक दूसरे की नहीं सुनते, लोग सिर्फ एक दूसरे को ज्ञान बांटते रहते हैं। तो क्या हम बहुत ज्ञानी बाबा लोगों के साथ काम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या हम बहुत ज्ञान सुनना चाहते हैं? हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉम्पिटेंसी। तो जब हम ये कॉम्पिटेंसी, इसको जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल को कोलैबोरेट करते हैं हमारे आईसीटी स्किल, मतलब टेक्नोलॉजी, जो हमारा टूल है, जैसे है एक्सेल, जैसे है पावर पॉइंट, जैसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे है रोबोटिक्स, को हमारी जो थीम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल एनवायरमेंटल सिविक एंड हेल्थ के साथ कंबाइन करते हैं, तो ना सिर्फ हम आगे बढ़ते हैं, ना सिर्फ हमें नए जॉब्स मिलते हैं, बल्कि हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण हम रोज देखते हैं। पीपीई किट्स हमारे देश में रोज यूज नहीं होते थे, ज्यादा भी यूज नहीं होते थे, बट क्या हुआ, कोरोना आया, पीपीई किट्स, मास्क और कम से कम कांटेक्ट के साथ हम जीना सीख गए। हमने आयुष ऐप बनाया, उसमें से हम डेटा कलेक्ट करना सीख गए कि ओ अब मुझे पता है कि मेरे बगल की बिल्डिंग में कितने कोरोना पेशेंट हैं। तो अब मुझे पता है कि क्या मैं उस बिल्डिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, क्या मुझे उस बिल्डिंग में जाने की जरूरत है या नहीं है। तो मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब का बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, ना सिर्फ हमारे पास स्किल है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो हमारा टूल है, उसको यूज करने की क्षमता है, उसको हम चेंजिंग टाइम्स के साथ, मतलब जैसे वातावरण बदल रहा है, जैसे सोसाइटी बदल रही है, उसके साथ हम उसका तालमेल करना सीख गए हैं, बट हम उसको कॉम्पिटेंसी से भी जोड़ना सीख गए हैं। मतलब हम जो एहसास कर रहे हैं, उस एहसास को भी अपने काम में हम लाना सीख गए हैं, राइट? सो स्किल्स एंड 21st सेंचुरी स्किल्स एंड पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अबाउट स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, यूजिंग दोज टू विथ टूल्स सच एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, विथ द ओवर आर्चिंग थीम्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अ क्लाइमेट चेंजिंग वर्ल्ड, अ फास्ट फाइनेंशियली चेंजिंग एनवायरमेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एट द सेम टाइम सिविक सेंस, ताकि हम सिर्फ खुद को नहीं पूरे समाज को आगे लेकर बढ़े। उसमें से ना सिर्फ मेरा विजडम बढ़ेगा, पर पूरे समाज का विजडम बढ़ेगा, और आगे जब हम जाएंगे अपने आगे कि पीढ़ी को जो सीख दे के जाएंगे, जो हमने चौथी बात की थी कि एडुकेशन किस चीज़ के लिए जरूरी है, तो लेगेसी, तो वो जो लेगेसी हम छोड़ जाएंगे विल बी मच मोर बिगर एंड मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट? कि जब रिसेशन हुआ तो मैं गड़बड़ाई नहीं, मैं रोते नहीं बैठी, मैंने एक नई चीज़ सीखी, उस चीज़ को सीखने के बाद मैंने उसको लाइफ में अप्लाई किया, मैंने उसमें से व्यवसाय किया, मैंने कुछ पैसे कमाए, और ना सिर्फ खुद को, पर मेरे साथ जो मेरे सहकारी है उनको भी मैं साथ लेके चली। तो ये रहेगी मेरी याद जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क स्पेस, द फ्यूचर जॉब्स एंड द फ्यूचर सोसाइटी दैट वी हैव टू क्रिएट।
So although my talk was just about relevance of skills today, but I think skills and competencies go hand in hand. You cannot just do work with your hand without feeling something. आप अपने दिल को घर पे रख के नहीं जाते ऑफिस, आपका दिल, दिमाग और हाथ तीनों ऑफिस जाते हैं, है ना? तो इन तीनों चीजों को नियंत्रण में रखे, साथ रखे, तो आप भी कुशल बन सकते हैं और भारत भी कुशल बन सकता है, राइट? तो कौशल्य विकास, ये सारी चीजों को एकत्रित करके समाज को आगे ले जाने की इच्छा रखता है और आई एम वेरी श्योर कि हम ये कर सकते हैं. तो आई थिंक मैंने आपका काफी समय भी ले लिया है, तो आई थिंक वी शुड हेड टू सम क्वेश्चंस नाउ इफ एनीबडी हैज एनी. वेल, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज. Yes, somebody is talking about geriatric care and has a large demand. Babysitting is another one. Yes, that is very true. Babysitting, patient care, counseling, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की. अब suppose मेरे मेरे घर में मेरी नानी रहती है, वो 90 साल की है. अगर touchwood, but I hope not, but उनको कोरोना हो जाए या उनको कोई भी ऐसा बड़ा बीमारी हो जाए जिसकी वजह से वो कांस्टेंट पेन में रहे, तो मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनसे बात कर सके, ना सिर्फ उनको इंजेक्शन दे सके या दवाई दे सके, पर उनसे बात कर सके, उनकी वेदना को कम कर सके, उनके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, ताकि उनको लगे कि मैं अपने मन की बात निकाल पा रही हूँ, मुझे कोई सुन रहा है, मेरे साथ कोई है. Somebody is there with me in my suffering. This is also a very important future job today. You need counselors for cancer patients. You need not just nurses, but counseling therapists at home. You need people to train animals to become counselors to for humans. So yes, of course, that is also a job. That is also a future job. आई मीन देर आर मैनी. जैसे मैं एक फार्मिंग का एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. आज हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सब बात कर रहे हैं. हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है? बगैर मिट्टी की खेती. टेस्ट ट्यूब के अंदर मिट्टी के जो अवशेष होते हैं वो डालते हैं, उसमें एक छोटा सा पौधा डालते हैं, उस पौधे में से ऑर्किड उग सकता है या टमाटर उग सकता है या मशरूम उग सकता है, और उसके लिए जगह भी बहुत छोटी लगती है, और उसमें से आप खेती कर सकते हैं. उसको आप रोबोटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको जाके वो सब मशरूम तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपका एक रोबोट वो कर सकता है. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या बारिश हो रही है तो वो हीटर, बारिश की वजह से अगर ठंड पड़ रही है तो वो हीटर ऑन कर सकता है. अगर बहुत गर्मी हो जाए तो वो स्प्रिंकलर्स ऑन कर सकता है. और आपको सिर्फ अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे देखना है कि रोबोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको अगला इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है. उसमें से हाइड्रोपोनिक से आजकल, क्योंकि इट इज़ ऑर्गेनिक एंड इट इज़ अवेलेबल, अर्बन मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें से लोग काफ़ी पैसे कमा रहे हैं. तो ये और एक फ्यूचर जॉब हो गया. अच्छा, किसी ने पूछा है हाउ टू कम्युनिकेट. मयूरी चाफड़े ने पूछा है. तो हाउ टू कम्युनिकेट इज, पहले तो आप सुने. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू व्हाट द पर्सन नीड्स. कम्युनिकेशन हम कहाँ से करते हैं? कम्युनिकेशन हम रिएक्शन से नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन हम नीड से करते हैं. उदाहरण के तौर पे, अगर दो सहेलियां बात कर रही हैं और एक दुखी है तो वो अपना दुख बयान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यार मेरे घर में आज ये हुआ वो हुआ, मम्मी ने डांटा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है. तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि अरे तुम्हें किस चीज़ के बारे में बुरा लग रहा है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, जिससे तुम उस बुरा लगने के इमोशन से बाहर आ सकती हो, जिस चीज़ से तुम्हें अच्छा लगे? तो इट इज स्टेमिंग आउट ऑफ अ नीड.
पर इस सब के लिए मुझे पहले सुनना पड़ेगा कि मेरी सहेली के घर पे हुआ क्या है। तो जब आप ऑफिस जाएं, आप सबसे एक अच्छे तरीके से बात करें, फिर उन्हें आपसे क्या चाहिए, जब आप ये समझोगे तब आप ज्यादा बेहतर उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे कि यार मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती, या मैं इसको अगर ऐसे तरीके से करूँ तो क्या तुम्हें चलेगा। इससे आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे आपके काम करने का तरीका बढ़ेगा, बदलेगा, अच्छा बनेगा। और इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा बना रहेगा और आपको आपके काम में मजा आने लगेगा और ऑफिस में आपको कभी भी बोर नहीं होगा। सो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, पहले तो आप NSDC के वेबसाइट पे जाइए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की, वहाँ आप चेक कीजिए आपके कौन से इंटरेस्ट के सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है या पावर है या शिपिंग है या कंस्ट्रक्शन है। उसमें जाने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ मिलेंगे, डिप्लोमा मिलेगा, 11वीं में मिलेगा, 10वीं में मिलेगा, उसके आगे के भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा, ये तो गवर्नमेंट का हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट में ITI भी आते हैं, इसके अलावा आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाके देखना है तो आप MOOC कोर्सेज देखिए, MOOC, जो ओपन सोर्स कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके देखिए, या तो आप एडेक्स पे जाके देखिए, या आप कोर्सेरा नाम के वेबसाइट पे देख सकते हैं, या आप फ्यूचर लर्न नाम के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और जो भी कोर्सेस आप इंटरेस्टेड जिसमें हैं आप उनको फर्दर सीख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ गवर्नमेंट की मैंने आपको NSDC के बारे में तो बताया ही है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे PMKVY है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना है, जिसके अंतर्गत आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं या जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप उस सेंटर पे जाके भी स्किल्स सीख सकते हैं। तो ये सेंटर क्या होता है, ये एक सेंटर होता है जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस या स्कूल्स के बच्चे जाके एक स्पेसिफिक स्किल सीख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन होता है, वो आपके 10th के मार्कशीट में भी रिफ्लेक्ट होता है और उसके भी आपको मार्क्स आपके मार्कशीट में छप के आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन? यस, थ्रू, तो अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। अब ये क्राइसिस क्या है कि जो बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं या जो बच्चे बाहर से अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने अराउंड 55,000 डॉलर्स की फी भरी है अपनी यूनिवर्सिटी में और वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो क्लासरूम को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो दोस्त नहीं बना रहे हैं, वो टीचर को नहीं मिल रहे हैं, वो उस पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट में नहीं है। पर वही जो कोर्स वो सीख रहे हैं ऑनलाइन, वो उनको $5,000 में कोर्सेरा पे मिल रहा है, सेम कोर्स सेम लेवल ऑफ टीचर के साथ, या कभी कभी सेम टीचर के साथ भी। तो अब $5,000 और 55,000 डॉलर में तो बहुत फर्क है। तो अब उनका कहना है कि मैं उस चीज के लिए यूनिवर्सिटी क्यों जाऊं और इतने पैसे क्यों खर्च करूं और इतना लोन क्यों उठाऊं, जो चीज मैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ऑनलाइन ही अपने घर में बैठ के ही सीख सकती हूँ और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि कोरोना के वजह से अब डिस्टेंस लर्निंग हो या ट्रेडिशनल लर्निंग हो, एवरीथिंग हैज बिकम डिस्टेंस लर्निंग, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, राइट? वेदर इट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जूम कॉल लेक्चर्स और व्हाट्सएप कॉल लेक्चर्स, इट्स ऑनलाइन। सो स्किल्स, द फ्यूचर ऑफ स्किल्स इज वेरी ग्रेट इन डिस्टेंस लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज नॉट अबाउट जस्ट अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, इट इज अबाउट अप्लाइंग द नॉलेज। नॉलेज तो आपको गूगल पे भी मिलेगा।
अच्छा, विल स्किल एडुकेशन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, अपने जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, एक है अपना ओवर आर्चिंग थीम विच इज़ अबाउट सिविक सेंस, हेल्थ, एनवायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप विच इंक्लूड्स लीडरशिप स्किल जो आप एक्चुअली कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, कॉम्पिटेंसी जो आप ले के चलते हैं यहाँ से विच इज़ योर हार्ट, राइट? तो वो एंड द फोर्थ मोस्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग इज टेक्नोलॉजी, योर टूल्स, राइट? टेक्नोलॉजी इज अ टूल. तो जब आप इन चारों चीज़ों को इकट्ठा करके काम करते हैं या चारों चीज़ों के साथ काम करते हैं, तो आप सुसाइड्स डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी इज लिसनिंग. जब आप अपने साथ काम करने वाले, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ जब आप कम्युनिकेट करें, जब आप रोज़ उनके साथ काम करें, जब आप उनको सुने, तो आपको पता चलेगा कि अंदर से वो कैसे हैं और उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है. उस हिसाब से आप, और एक जो कॉम्पिटेंसी जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, उसको कहते हैं मोटिवेशन. मोटिवेशन फॉर लाइफ, मोटिवेशन फॉर ग्रोथ. अगर आप उन्हें सुने तो आपको उनकी नीड पता चलेगी, और जब नीड पता चलेगी आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे. और अगर मुझे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, ना सिर्फ घर में पर अपने वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ मैं दिन के कम से कम 8 से 10 घंटे गुजारती हूँ, मोटिवेशन मिले, सिक्योरिटी की फीलिंग मिले, तो आई थिंक रियली सुसाइड विल बी द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एंड वी कैन रियली हेल्प ईच अदर ग्रो एंड हेल्प ईच अदर फर्दर आर ओन ग्रोथ्स इमोशनली एज वेल इफ वी वर्क विथ ऑल दीज फोर थिंग्स दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. अच्छा, और एक हेल्थ केयर के बारे में बात मैं आपको बता दूं. जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग सेक्टर्स के काउंसिल्स के बारे में, तो सेक्टर्स के काउंसिल क्या करता है, वो एक स्किल्स फ्रेमवर्क बनाता है. उस फ्रेमवर्क के हिसाब से वो कोर्सेज को डिज़ाइन करता है. अब जैसे नर्सिंग सेक्टर है, उसमें सबसे लेटेस्ट कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है उसको सेक्टर्स के काउंसिल डिफाइन करता है, और उस हिसाब से वो नए नए कोर्सेज बनाते हैं, और वो कोर्सेज फिर वो अलग अलग जगह पे सिखाते हैं. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं हेल्थ सेक्टर्स के काउंसिल के बारे में, कि उन्होंने पिछले साल 11 बच्चों को भारत के सबसे अच्छे, जो जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर्स के काउंसिल को चूज़ किया था 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में, उन ऐसे सबसे कुशल 11 बच्चों को उन्होंने एकत्रित करके जापान फर्दर स्किल अक्वायर करने के लिए भेजा. मतलब अब वो 12वीं कक्षा में तो पास हो गए, अब उनको उन्होंने डिग्री करने के लिए बीवॉक, मतलब बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन हेल्थ केयर करने के लिए उनको जापान भेजा है, और उनको 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड भी मिला है. हर महीने उनको 1 लाख रुपए मिलते हैं, जिसके सहायता से वो वहाँ रहते हैं, वहाँ फर्दर हेल्थ केयर में एजुकेशन कर सकते हैं, और फिर वो यहाँ आके अपनी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, है ना? तो ये भी ऐसे कई फेलोशिप्स और कई सारे स्कॉलरशिप्स आपको, अगर आप NSDC के और स्पेसिफिक सेक्टर्स के काउंसिल के वेबसाइट पे जाएं, तो आपको वहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. अच्छा, तो मुझे लगता है अब सारे प्रश्न, नहीं, एक प्रश्न बाकी है, सॉरी, ये आखिरी प्रश्न मैं लेती हूँ और उसके बाद अलविदा कहती हूँ.
आपका बहुत समय मैंने ले लिया है. एम्फोसिस ऑन आत्मनिर्भर, विल इट बी बेनिफिशियल इन अ हेल्दी स्टार्टअप, मोर एनहैंस्ड वन. तो आत्मनिर्भर तो अब गवर्नमेंट स्कीम निकाले या निकाले, हर इंसान आत्मनिर्भर तो होता ही है. जैसे मैंने आपको बताया कि इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है. कारपेंटर का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, है ना. अगर अब आप समझिए, और कोरोना ये पहला पैंडमिक नहीं है जिसकी वजह से हमें घर पे बैठना पड़े. ऐसी अन्य अन्य समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, जैसे कि भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकता है, पैंडमिक हो सकता है, हाँ, वॉर हो सकता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमें एज ह्यूमैनिटी सामना करना पड़ेगा. तो उन दिनों में, उसके बाद गवर्नमेंट हर आदमी को तो मदद नहीं कर सकती. हमारे यहाँ बहुत सारी जनसंख्या है, कैसे हेल्प करेंगे. तो उस हिसाब से आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निडर बन के, ब्रेव बन के. ब्रेव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी है. अगर आपको सुसाइड बचाने हैं, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है या दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रेव रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा. और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी, अगर आपके पास स्किल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या आप नई स्किल सीखे, उसको आप इनोवेट करके कैसे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी उसको प्रेजेंट करें. जैसे मैंने कारपेंटर का एग्जांपल दिया कि मुझे एक आराम से बैठ के ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने की कुर्सी बना के दी. तो अगर आप ऐसा कर सकें तो नथिंग लाइक इट, है ना. तो आपको गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर स्कीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ज़माने में हमें रेजिलिएंट, मतलब लवचिक रहना हमको. क्योंकि अगर आप देखें तो अब कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी. पहले लैंडलाइन था, फिर मोबाइल आया, फिर SMS आया, उसके बाद WhatsApp आया, Instagram आया, Facebook आया. अब Instagram और YouTube को यूज़ नहीं कर रहा, सारे TikTok कर रहे हैं. तो YouTube और TikTok आने के बीच में जो है अंतर बहुत कम है सालों का. तो ये कॉन्स्टेंटली बदलते रहने वाला है. तो हमें कॉन्स्टेंटली नए नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा. अब पुराने ज़माने जैसे हम ग्रेजुएशन करने के बाद, भैया लड़की क्या करती है या लड़का क्या करता है शादी के वक्त पूछते हैं, तो BA पास है, MA पास है, उससे अब नहीं चलेगा. आपको कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा अगर आपको 60 साल तक काम करना है या 60 साल तक बिजनेस करना है तो, राइट. अच्छा ठीक है जी, अब मैं आज्ञा चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर listening to me, and if you have any questions for any courses or any other information that you need, kindly do DM me and I will help you in your further endeavors always. Thank you very much, and thank you Mrunal who actually invited me on this talk, and I hope these COVID times will bring some good to you. Please stay home, stay safe. Only venture out if you need to. Thank you very much.